घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। उसको समझता क्या? किसकी इतनी हिम्मत हुई, किसने कहा मेरी कॉफी वाली दुकान चलवा दो, क्यों कहा ऐसा, क्या था पुष्पा स्टार का रिएक्शन? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं आपके साथ हूं मंगीशा। दोस्तों, कॉफी विद करण के करण जौहर अपने डूबते हुए करियर को बचाने के लिए अपनी कॉफी की दुकान फिर से खोल रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि करण इस बार अपने शो कॉफी विद करण, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट होता है, उसमें अल्लू अर्जुन और साथ ही साथ उनके फिल्म की लीड एक्ट्रेस को रोल निभाने वाली अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का इंटरव्यू करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी साउथ का सहारा ही लिया जा रहा है, यानी पूरी तैयारी हो चुकी है कि जनता जिसे पसंद करती है उनको बुलाकर उनका इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि कई बार करण जौहर मुश्किल में पड़ चुके हैं। उन्हें डेफिनेटली याद आ रहा होगा कि कैसे वो आउटसाइडर्स को अपने शो पर बुलाकर उनकी इतनी इंसल्ट और बेइज्जती करते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि यही वजह थी कि सोशल मीडिया यूजर्स ने करण जौहर को काफी ट्रोल किया। कॉफी विद करण का 6th सीजन, जो कि साल 2019 में आया था, एंड वहीं दूसरी ओर बात करें 7th सीजन की, तो उसको करण जौहर को 3 साल का समय लग गया। बहुत कुछ सोचना पड़ा एंड बहुत सारे ब्रेक लेने पड़े, एंड आफ्टर ऑल दिस अब कॉफी विद करण के होस्ट करण जौहर एक बार फिर से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ वो चाहते हैं कि उनकी एक कॉफी की दुकान चल जाए, जिसमें बहुत जल्द अल्लू और रश्मिका नजर आएंगे, ताकि उनके शो को अच्छी टीआरपी मिले। वैसे दोस्तों, अल्लू अर्जुन की बात करें तो वो वाकई में इतने मल्टी टैलेंटेड एंड स्टाइलिश एक्टर है, वो हर किसी के फेवरेट एक्टर है। पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन आज न सिर्फ साउथ इंडस्ट्री तक ही सीमित है, बट आज वो एक पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं। उनकी एक्टिंग स्किल्स तो इम्प्रेसिव है ही, बट अगर बात करें उनके डांसिंग स्किल्स की तो वो भी किसी से कम नहीं है। वहीं दूसरी ओर बात करें फिल्म पुष्पा 2 की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की, तो वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहना पसंद करती है। वो पुष्पा 2 में मेन लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी। उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो वो फिल्म मिशन मजनू में दिखने वाली है। फिलहाल वो पुष्पा के नेक्स्ट सीक्वल पुष्पा 2 में श्रीवल्ली का कैरेक्टर प्ले करती दिखाई देंगी। ये फिल्म की शूटिंग अप्रैल मई में एक्सपेक्ट की जा रही है। फिल्म में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना के अलावा अनुसुईया भारद्वाज, फहद जैसे और कई किरदार नजर आएंगे। पुष्पा के पार्ट 2 में काफी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है। बात करें फिल्म पुष्पा 2 के लिए सेट की तैयारी एंड प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज सेट हो चुकी है। टॉकिंग अबाउट इट्स प्रीक्वल पुष्पा, तो ये फिल्म फैंस को काफी पसंद आई है। इसमें अल्लू अर्जुन के रोल को बहुत पसंद किया गया है। फिल्म के ग्रेट सक्सेस के बाद इसके सेकेंड पार्ट को बनाने का सोचा जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाजत, और आपकी इस मूवी यानी कि पुष्पा 2 को लेकर क्या सजेशंस या फीडबैक है ये हमें जरूर बताएं। आपको ये बता दें कि पुष्पा 2 फिल्म सिल्वर स्क्रीन्स पर जल्द रिलीज हो सकती है। अब क्या ये फिल्म पुष्पा के बाद फैंस का दिल जीत पाती है, ये तो अब वक्त ही बताएगा। उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म को देखने के लिए आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे, साथ ही साथ इन फैक्ट्स के बारे में जानकर काफी हैरान भी रह जाएंगे।